दोस्तों ये जो फोन है दिस वन सरप्राइज्ड मी, और वो भी बहुत ज्यादा प्लेजेंटली सरप्राइज्ड मी। मैं बात कर रहा हूँ लावा अग्नि 2 के बारे में। ओ माय गॉड व्हाट अ फोन दिस इज। ये वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, देयर आर सो मेनी थिंग्स, इतनी सारी चीजें हैं इस फोन के बारे में विच रियली एक्साइट्स मी। लावा अग्नि 2 5G अहेड ऑफ द कर्व, ट्रैकिन टेक। ओह स्पेशल बॉक्स है, लेट्स ओपन दिस बॉक्स। ऑलराइट, नॉट बैड। एंड दिस इज द फोन। बॉक्स तो बहुत बड़ा है दोस्तों। ऑलराइट, इसे रखते हैं साइड में, अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे थोड़े अलग बॉक्स आते हैं तो ब्लैक है, सिल्वर में अग्नि 2 लिखा हुआ है। अच्छा ये भी अलग है, ये भी ऐसे खोलना है। ओहो टॉल फोन लग रहा है। ओह फैंटास्टिक, लावा इज डन अ गुड जॉब दिस टाइम फॉर श्योर। सबसे पहले केस है दोस्तों, क्लियर केस है, गुड क्वालिटी केस, राउंडेड कैमरा मॉड्यूल है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं इसके ऊपर। वाओ ये क्या पढ़ रहा हूं मैं, फ्री फोन रिप्लेसमेंट फॉर 1 ईयर वारंटी पीरियड जो होती है। जी हाँ, ये हार्डवेयर एंड एक्सेसरीज जो है उसके लिए, हार्डवेयर डिफेक्ट्स के लिए, बट रिप्लेसमेंट एट होम मतलब डोर स्टेप सर्विस आपको मिलने वाली है। वेरी नाइस एंड दैट फुल 1 ईयर। एक्सीलेंट वर्क। टाइप सी एडाप्टर है जो 66 वॉट चार्जिंग करता है। वाओ। USB Type-C to Type-C चार्जिंग केबल, that is nice। जनरली दोस्तों ये याद रखिए 20,000 के नीचे ये फोन आने वाला है। 22,000 इसकी प्राइस है, बट इंट्रोडक्टरी ऑफर में 2,000 रुपीज ऑफ है। इसका मतलब 19,999 इसकी प्राइस, अंडर 20,000, और उसके लिए जबरदस्त है। ओके 3.5mm जैक नहीं है, बट थैंकफुली एडाप्टर दिया हुआ है USB Type-C to 3.5mm जैक। ऑलराइट, यही है दोस्तों सब बॉक्स के अंदर। अब देखते हैं फोन के पास। दोस्तों ये जो है ना, इसका फील फ्लैगशिप फोन जैसा, ऐसा लगता नहीं है कि ये 20,000 का फोन है। आप देखोगे भी नहीं ना इस फोन के पास, तो भी आपको लगेगा कि वाओ यार दिस इज एन एक्सपेंसिव फोन, सो आई लाइक दैट। ऑलराइट, वाओ लुक्स आर एक्सीलेंट, डेफिनेटली दिखने को बहुत अच्छा है। एंड ग्लास बैक है, अगेन 20,000 के नीचे बहुत कम फोन में ग्लास बैक मिलता है, आजकल सभी पॉलीकार्बोनेट इस्तेमाल करते हैं, बट दिस इज ग्लास बैक। लुक एट दिस फोन, क्वाड कैमरा सेटअप आता है, दिस लुक्स गुड। आई मीन ये जो है, ये जो ऐसा कैमरा सेटअप होता है जनरली महंगे फोन में दिखता है, बट दिस इज नाइस। कैमरा के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको। कर्व्ड डिस्प्ले है, लुक एट दिस, द डिस्प्ले इज कर्व्ड, नॉट बैड यार, नॉट बैड एट ऑल। लेकिन इसकी जो फ्रेम है दैट इज प्लास्टिक। वेट के बारे में बात करूं दोस्तों, feels very light, 188 grams, let's see, देखते हैं, उससे भी कम हो सकता है, but let's see, what 202.3 grams, इतना हैवी लगता नहीं है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन शायद बहुत ही अच्छा है, सो दिस इज 202 grams, तो मैं कहूंगा वेट में इट इज हैवी। पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूं दोस्तों, नीचे की तरफ आपको मिलता है सिम कार्ड ट्रे, USB Type-C, माइक्रोफोन एंड स्पीकर ग्रिल। राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है एंड वॉल्यूम रॉकर है। और ये फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, मतलब साइड माउंटेड जो होता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। वाओ। एंड ऊपर की तरफ नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। वैसे सिम कार्ड ट्रे में अगर SD कार्ड स्लॉट नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि एक ही वेरिएंट है विद 256GB स्टोरेज। हाँ, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है, नो SD कार्ड स्लॉट। वैसे शॉट सेंसेशन अल्फा प्रोटेक्शन आता है दोस्तों ग्लास पे, गिरा के तो देखने ही वाले हैं, गिराते हैं, 1 2 3, नहीं कुछ भी नहीं, 1 2 3, ओह नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। सो बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। चलो बाहर से देख लिया, अब देखते हैं अंदर से। वैसे दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा विद दैट बेल आइकन। ओह माय गॉड लुक एट दिस, मतलब बाहर से प्रीमियम लग रहा था, डिस्प्ले आप देखोगे तो डेफिनेटली कहोगे, क्योंकि बेजल्स देखिए बहुत ही पतले, साइड के बेजल्स आर नॉन एग्जिस्टेंट, ऊपर का बेजल भी बहुत पतला है। चिन इज आल्सो वेरी स्मॉल, जस्ट लुक एट द डिस्प्ले, एक्सीलेंट। 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले आता है दोस्तों, एंड 950 निट्स ब्राइटनेस है, सो दिस डिस्प्ले इज वेरी ब्राइट एज वेल। ये देखिए अभी तो आधे से कम है ब्राइटनेस, फिर भी इट इज क्वाइट ब्राइट। एंड बेजल्स इतने पतले होने की वजह से 93.65% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, वन ऑफ द हाईएस्ट आई हैव सीन। 10-bit डिस्प्ले ये, सो दैट इज आल्सो वेरी गुड, और इसीलिए जो कलर्स वगैरह दे लुक रियली रियली नाइस। 20,000 का फोन। चलिए डिस्प्ले तो अच्छा है, स्पेसिफिकेशंस की तरफ देखते हैं, लेट्स सी इफ स्पेक्स आर दैट इंप्रेसिव। इसमें दोस्तों ये पहला फोन है जो डायमेंसिटी 7050 इस प्रोसेसर पे आता है। अब मैं कहूंगा तो इट इज वेरी सिमिलर टू 1080। इसका जो अंतुतु स्कोर है 5,20,000 के करीब आता है, विच अगेन फॉर अंडर 20,000 फोन इज वेरी वेरी गुड। एक ही वेरिएंट आता है दोस्तों, 8GB रैम एंड 256GB स्टोरेज, इसलिए मैंने कहा कि SD कार्ड नहीं है फिर भी चलेगा, क्योंकि स्टोरेज 256GB है। LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, 4700 mAh की बैटरी है एंड 66 वॉट चार्जिंग है। 0 to 50% इन जस्ट 16 मिनट्स, 50% तक हो जाएगा, तो फास्ट चार्जिंग है। पिछला अगर अग्नि के साथ कंपेयर करते हो, फर्स्ट जो आया था अग्नि उसमें 5000 की थी, इसमें 4700, बट 6nm प्रोसेसर है दोस्तों, 7050। इट इज वेरी वेरी बैटरी एफिशिएंट। अंडर 20000 जनरली आपको फोन मिलते हैं, उनमें ब्लोटवेयर्स वगैरह होते हैं। ये जो है क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड है। यस, एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स आता है एंड देयर आर एब्सोल्युटली नो ब्लोटवेयर्स। एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह जो होते हैं, प्रमोशनल चीजें होती है, वो बिल्कुल नहीं है। सो वेरी वेरी क्लीन यूआई, और जब आप इसे इस्तेमाल करोगे यू विल फील दैट फ्लूइडिटी। सीरियसली बहुत ही फ्लूइड लगता है ये फोन। और अगर ओएस अपडेट्स के बारे में बात करूं तो लावा ने 2 साल के मेजर अपडेट्स यानी 14 एंड 15 प्रॉमिस किए हुए हैं। 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं, ऑल द सेंसर्स आते हैं। इनफैक्ट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, जनरली 20000 के नीचे अगेन साइड माउंटेड होते हैं। फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, नहीं एमोलेड डिस्प्ले है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, एवरीथिंग वर्क्स ब्यूटीफुली वेल। अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, नॉर्मल मल्टीटास्किंग के लिए वगैरह जबरदस्त है फोन। जैसे मैंने बताया 5,20,000 इसका अंतुदु स्कोर है, सो इट इज रियली रियली गुड। गेमिंग भी करोगे तो मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे आप आराम से खेल पाओगे एंड यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। वेरी गुड परफॉर्मेंस। और हमने लॉन्ग सेशंस भी खेल के देखे तो इट इज क्वाइट स्टेबल। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, सम इंटरेस्टिंग थिंग्स देयर। वाईफाई 6 आता है, सो दैट इज गुड। 13 5G बैंड्स है, तो सभी 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, नो प्रॉब्लम्स देयर। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, वॉइस ओवर NR जो ज्यादा फोन्स पे नहीं दिखता है, इनफैक्ट रेयरली दिखता है, सिर्फ फ्लैगशिप में होता है, इसमें भी है। तो 5G के ऊपर वॉइस, जैसे वोल्टी है वैसे वॉइस ओवर NR है इसमें। वाईफाई 6 के साथ ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है, NFC नहीं है इसमें। चलिए मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं एंड वीडियो व्यूइंग इज गोइंग टू बी इमर्सिव। जस्ट लुक एट दैट डिस्प्ले, बहुत ही बढ़िया एमोलेड डिस्प्ले, कलर्स वगैरह बहुत अच्छे दिखेंगे। हाँ, इसके जो स्पीकर्स है दे आर लाउड बट मोनो स्पीकर्स है, इसमें स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है, सो डिसेंट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। अब दोस्तों हमने YouTube वीडियोस देखे, नेटफ्लिक्स भी देखा। अभी L1 का सपोर्ट नहीं है बट हमने बात की है लावा से एंड दे सेड कि आने वाला है वाइड वाइन L1 सपोर्ट आने वाला है इसके अंदर। और हाँ, HDR भी सपोर्ट करता है। अभी YouTube वीडियोस हमने HDR में देखे एंड दैट इज सपोर्टेड। चलिए बाकी के छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। SAR वैल्यू विद इन लिमिट है, FM रेडियो, लेट मी सी। अभी तो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि सभी फोन्स में FM रेडियो कंपलसरी है बट इसके अंदर नहीं है, दैट इज इंटरेस्टिंग। हैप्टिक फीडबैक दोस्तों वेरी नाइस। हैप्टिक फीडबैक जो है सीरियसली, मतलब अगेन 20000 के नीचे वी डोंट एक्सपेक्ट मच हैप्टिक्स, बट इसमें हैप्टिक फीडबैक भी अच्छा है। और हाँ, IP रेटिंग नहीं है, और मैंने जैसे पहले बताया आगे आपको शॉर्ट सेंसेशन अल्फा ग्लास मिलती है। वैसे UI के समय एक बात बताना भूल गया दोस्तों, इसमें 8GB वर्चुअल रैम भी आती है, तो 8 फिजिकल रैम एंड 8 वर्चुअल रैम, 16GB रैम। चलिए अब कैमरा की तरफ बढ़ते हैं। यस, थैंकफुली अल्ट्रा वाइड कैमरा है इसके अंदर। आजकल 20000 के अराउंड भी जो फोन्स आ रहे हैं ना मिड रेंज में, वो जो अल्ट्रा वाइड होता है वो निकाल देते हैं। इसमें है 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल डेप्थ, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, क्वाड कैमरा सेटअप आता है इसमें। 2-2 मेगापिक्सल के बारे में नहीं बात करेंगे। प्राइमरी सेंसर जो है अच्छे फोटोज निकालता है नॉर्मल कंडीशंस में, अल्ट्रा वाइड। और अगर आप प्राइमरी सेंसर के फोटोज कंपेयर करोगे तो थोड़ा कलर शिफ्ट दिखता है, बट दीज आर माय इनिशियल इंप्रेशन। ज्यादा हमने कैमरा के साथ फोटोज नहीं निकाले हुए, लेकिन बहुत सारे निकालने वाले हैं, और ओरिजिनल क्वालिटी में नीचे G ड्राइव लिंक दे रहा हूं, उधर स्टोर करके रखे हुए, जरूर जाके देखिएगा दोस्तों। इफ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस यू मस्ट चेक आउट ऑल द फोटोज, अलग अलग कंडीशंस में फोटोज और वीडियोस निकाले हुए हैं। अगर सेल्फी सेंसर के बारे में बात करूं, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो 4K 30 FPS आप शूट कर पाओगे, इनफैक्ट 2K वीडियो भी शूट कर पाओगे इसके साथ, जी हां AI के साथ, सो दैट इज देयर। आगे है 1080p। एक ही चीज लावा को मैं कहना चाहूंगा, बिकॉज़ दे हैव मेड सच अ ग्रेट फोन, यू नो कैमरा ऑप्टिमाइजेशंस में और ज्यादा उन्होंने थोड़ा फोकस करना चाहिए एंड आई थिंक दे विल डू इट, क्योंकि अपडेट्स जो आएंगे कैमरा विल इंप्रूव अ लॉट। वैसे ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर तो बहुत अच्छा है दोस्तों, बट व्हाट आई लाइक्ड वाज दैट 1 ईयर फोन रिप्लेसमेंट। अगर हार्डवेयर में कुछ इश्यूज आते हैं, एक्सेसरीज में कुछ इश्यूज आते हैं, तो येस दे आर गोइंग टू रिप्लेस योर फोन। वाओ, आई मीन जैसे मैंने पहले बताया था, अग्नि 2 जो है दोस्तों सीरियसली इंप्रेस मी। लावा वेरी गुड जॉब। अगर 20000 के नीचे आप एक फोन देख रहे हो, प्रॉबेबली दिस विल बी हमारा जो भी नेक्स्ट टॉप स्मार्टफोन्स अंडर 20 का वीडियो आएगा, शायद दिस विल बी इन द टॉप 3, डेफिनेटली प्रॉबेबली टॉप 1, आई not sure. That is how good this phone is. वैसे सवाल जरूर पूछिएगा कमेंट्स में, क्योंकि FAQ वीडियो बहुत जल्दी हम लाने वाले हैं आपके लिए, so do that. चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक keep tracking and stay safe.